हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह की आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक मेरा दोस्तों है कनेक्टिंग फ्लाइट। कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में काफ़ी लोगों को, काफ़ी पैसेंजर्स को कंफ्यूजन रहती है कि बैगेज के बारे में, कि हमारा बैगेज हमें कहाँ मिलेगा। तो जैसा कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाए थे, तो फिर भी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है, तो उनको फिर मैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ स्पेशल। आज मैं इस वीडियो में ओनली बैगेज की बात करूँगा, आपका जो कैबिन बैगेज है और आपका जो चेक इन बैगेज है। इसमें बस इस वीडियो में मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ इस वीडियो में आपका बैगेज आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप जब कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं, जैसे आपका फाइनल डिस्टेंस, जैसे आपका चेन्नई है, जैसे आपको दिल्ली से जो फ्लाइट लेनी है वो आपका बम्बई में, बम्बई से आप चेन्नई, यानी कि आपका दिल्ली से चेन्नई जाना है, इसमें आपका जो ले ओवर रहेगा वो बॉम्बे। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है, जो आपका चेक इन लगेज रहेगा वो आप सबमिट तो वहाँ पर करेंगे दिल्ली में, तो आपको कहाँ मिलेगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो रहता है, जैसे कि आपका जो पीएनआर नंबर है, जैसे दोनों फ्लाइटों का एक ही पीएनआर है और सेम फ्लाइट है, समझ लीजिए कि दोनों जो पीएनआर नंबर है वो सेम है और आपका जो फ्लाइट है यानी कि एयरलाइंस है वो भी आपकी सेम है, जैसे कि इंडिगो की आपकी जो वहाँ से दिल्ली से बम्बई और बम्बई से फिर चेन्नई के लिए वो इंडिगो ही है, मतलब फ्लाइट नंबर डिफरेंट नहीं है, सेम फ्लाइट है। तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, जो आपका चेक इन बैगेज है तो आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप वहाँ दिल्ली में जमा करेंगे तो आपको सीधा चेन्नई में मिलेगा, आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे, यहाँ की जो आप, आपको मुंबई में नहीं मिलेगा इस तरीके से। अब इसके बाद अब मैं बात करूँगा, अगर आपका पीएनआर नंबर डिफरेंट है, जैसे आपका जो दिल्ली से बम्बई तक की फ्लाइट है उसका पीएनआर नंबर डिफरेंट है और बम्बई से अगर आपका चेन्नई जाने वाली फ्लाइट का पीएनआर नंबर डिफरेंट है और इसी के साथ साथ फ्लाइट नंबर भी चेंज है और इसी के साथ साथ आपकी जो एयरलाइंस है वो भी चेंज है, तो इस सिचुएशन में क्या रहता है लोगों की, मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे 90% चांस होते हैं कि जो एयरलाइंस वाले हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करके आपका जो बैगेज है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन केस अगर आपका जैसे नहीं होता है तो काफ़ी जो 90% फ्लाइट में होता है, बाकी में नहीं होता, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें आपकी जो एयर होस्टेज रहेगी, आपका पायलट रहेगा वहाँ पर, जो आप अनाउंसमेंट होगा कि आप फ्लाइट यहाँ चेंज, आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है लोअर है आपसे आप चेंज कर सकते, तो उस समय एक बार ज़रूर पता कर लें कि आपका जो बैगेज है तो आपको जैसे आपका दिल्ली से बम्बई, बम्बई एयरपोर्ट पे मिलेगा, तो कि आपका जो खुद ट्रांसफ़र वो करेंगे या आपको खुद लेना है बेल्ट से, तो ये बात आप ज़रूर कंफर्म कर लें एयरलाइन से। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें अपना बैगेज कलेक्ट करना होता है, जैसे हमारा लेओवर वाली प्लेस है, जैसे हमें वहाँ से दिल्ली से बम्बई, बम्बई हमारी जो लेओवर वाली प्लेस है वहाँ आपको बेल्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें अपना बैग कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर हमें टर्मिनल पे दूसरे पे जाना है, गेट नंबर दूसरे पे जाना है, तो ये सब जानकारी अलग अलग फ्लाइट है अलग काफ़ी टाइम, मतलब ज़्यादातर तो सेम चांस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन काफ़ी एयरलाइंस है तो हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा बैग, तो सब ये जानकारी आप ले सकते हैं उसी टाइम, या तो फिर आपकी जो टिकट आपने बुक की है जो कस्टमर केयर है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको सारी जानकारी दे देगा। तो मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो सेल्फ मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि काफ़ी कभी फ्लाइट कर देती हैं, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आप ज़रूर एक बार पता कर लें। और इसी के साथ साथ जो आपका जो लेओवर टाइम है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लेओवर टाइम का ध्यान रखें और दोनों फ्लाइटों के जो बीच का टाइम है ना, यानी कि जो एक घंटा से ज़्यादा ही रखें, अगर इसका इतने में कम रखें, हो सकता है आपको कहीं वहाँ जो आपको बैगेज है आप बेल्ट से कलेक्ट करें तो हो सकता है आपको कहीं टाइम लग जाए तो आपकी फ्लाइट है वो मिस ना हो पाए, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें टिकट करते समय, कम से कम एक हावर का या दो हावर का गैप होना जरूरी है, अनिवार्य है। इस समय में आपका कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी एयरलाइंस चेंज है तो हमें चेकिंग भी रीचेकिंग करानी होती है,
वेब चेकिंग तो नहीं लेकिन रीचेकिंग करानी होती है, सिक्योरिटी चेकिंग करानी रहती है, तो उसमें हमारा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो इसलिए जो आप टाइम में टाइम का ख्याल रखें, और बैगों का जो मैंने कंफ्यूजन था वो इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर उसमें दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ।